यहाँ आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ यार, सुबह दिक्कत थोड़ी। क्या हो गया, आ जाओ यार, आ जाओ, कोई बात नहीं, खड़ा ही तो होना है बाबा, कोई बात नहीं। अरे आ जाओ यार, कैसी बातें कर रहे हो, तो यही तो दिखाना है कि पहले कैसे थे और कैसे हो गए। ये दिखाना कि हाँ भाई हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे दानिश भाई भी कर रहे हैं बस, और अभी देख लो इनकी कंडीशन, फिर देखना बाद में इनकी भी, क्यों कर दे कंडीशन। हे गाइस, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक ऑन राजा खान फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज फाइनली हमारी है बैक, नहीं बाइसेप वर्कआउट है, बैक हो चुकी है। तो बाइसेप वर्कआउट ट्रेन करने वाले हैं गुरुजी के साथ, गुरुजी में करवाएंगे, और आज करेंगे मतलब दानिश भाई भी। तो बता दो, दानिश भाई की भी चल रही है तैयारी, भाई भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपना, माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क दे रहे हैं अपनी बॉडी को, डाइट फॉलो कर रहे हैं, अपने काम के बीच में से वक्त निकाल के अपने आपको यहाँ लाना, वर्कआउट करना, वो भी 10-11 बजे रात को। और हमारे गुरुजी का भी बड़ा पन है कि एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ऐसे एथलीट्स को जो आते हैं रात को ट्रेन होते हैं। तो गुरुजी आज वर्कआउट बाइसेप की होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, बाइसेप एक्सरसाइज। तो कुछ उसमें क्या क्या आज देखने को मिलेगा? आज अपने बाइसेप मसल को हिट करेंगे और देखेंगे कि क्या वर्कआउट के बाद क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है। तो गाइस आप देख ही रहो, डेली अपडेट देख रहे हो, मैं इसलिए दे भी रहा हूँ कि मेरी कंडीशन भी देखते रहो, ठीक है, और मेरी अभी जो वर्कआउट चल रही है वो सेशन भी देखते रहो, ताकि उसे फॉलो भी कर लोगे ना, जब भी बेनिफिट मिलेगा आपको। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में इसमें दो, आज हमारे साथ दो लोग एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप की, एक एक की जो गेनिंग चल रही है और एक की लीनिंग चल रही है। एक गेनिंग है, एक लीनिंग है। चलो आज भाई कह रहे हैं उनका जाएंगे, तो चलते हैं, वार्म अप हो गया है, ठीक। तो अब वार्म अप हमारा पहला सेट की तरफ चलते गाइस, वहां मिलते हैं। चलो तो गाइस पहली एक्सरसाइज है हमारी प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल लेंगे हम, ये ग्रिप। चलो बस यहीं तक, ज्यादा नीचे लेके नहीं आना। देखो ज्यादा नीचे में क्या, ज्यादा अगर नीचे लाते हो तो इसमें हमारी क्या है, इंजरी का चांस रहेगा। अगर ज्यादा नीचे अगर लेके आते हो, वेट हैवी रहेगा, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, मसल फटने का चांस रहेगा ये। चलो इसीलिए हम लेंगे हाफ। इसमें ये एक्सरसाइज में क्या होता है, हम अपने जो बाइसेप की पीक होती है उसको ट्रेन करते हैं। तो ये देखो इसका प्रॉपर इफेक्ट आ रहा है, आ रहा है ना इफेक्ट। चलो 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 अब उनकी कवर करते हैं। पहला सेट 15 रेप्स, अब चलते हैं भाई की तरफ। भाई को भी देख लो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ढाई की लगाओ उसमें, ढाई की लगाओ, ढाई की डालो। बाइसेप के एक्सरसाइज है, तो इनका पहला एक्सरसाइज है जो बारबल कर ले, बॉडी को होल्ड रखो, प्रॉपर होल्ड रखो, आराम से स्लो मोशन में। चलो ये इनका जो भी ली, अभी इनका कटिंग स्टार्ट हुआ है, तो इनकी रेपुटेशन रहेगी ज्यादा, वेट लाइट रहेगा, रेपुटेशन ज्यादा रहेगा। अब मैंने बताया था मेरी में 15 है, कम रहेंगे, 15 लिए मैंने, भाई के और वेट हैवी जाएगा, और वेट हैवी जाएगा। चलो बॉडी 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 वीडियो करके बॉडी होल्ड रखो, होल्ड रखो, बॉडी होल्ड रखो। चलो सबको वायरल कराएंगे, चलो क्लोज रखो, एल्बो क्लोज रखो, एल्बो क्लोज रखो, आ जाओ, चलो आ जाओ। भाई कह रहे हैं कि भाई को वीडियो में आना है, तो भाई को वीडियो में ले रहे हैं, भाई भी जल्दी तैयारी पाने वाले हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं, बहुत दिनों से। सुनो भाई ये क्या कह रहे हो, तो बहुत दिनों से नाम सुनता रहा था मैं, बस हंसी होना देख भाई। नहीं बताओ 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 अपने दिल की, बहुत दिनों से नाम सुनता रहा था मैं, और ये भाई है ना, एक महीना हो गया कहते हैं। अच्छा चलो चलो चलो, तो फाइनली आ गया है ना, दो तीन दिन हो गया, अपना काम छोड़, दो तीन दिन से आ रही है, बहुत बड़ी बात है, काम छोड़ के आ रहे हैं, दुकान छोड़ के आया। तो भाई भी तैयारी, भाई कराओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी होगी, भाई भी चढ़ेंगे। देखो मेरे को बस रास्ता दिखाना है, मेहनत इनको करना है। क्या बात है,
मेहनत कर लेंगे भाई। हाँ, मेहनत आप भी रहे इस टाइम मैक्सिमम लोग वही आते हैं जो हमारे काम धंधे वाले लोग हैं, सब अपनी अपनी दुकानें बढ़ा के आते हैं, इसलिए हमने टाइमिंग थोड़ा बढ़ा रखा है 11 बजे तक। एग्जैक्टली, इसलिए कर रखी है टाइमिंग। देखिए भाई, में कोई नहीं है, 4 बजे सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। जिम में जिसको कपड़ा खरीदना हो जिम में आइए। चलो भाई, चलो बढ़ाओ, नीचे कॉन्टेक्ट दे दूंगा, कर लेना। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल कर्ल। डंबल कर्ल जो इसको सिंगल हैंड भी ले सकते हो, बोथ हैंड भी ले सकते हो, ठीक है। वेट, उल्टा से स्टार्ट करो। ऊपर लो, ऊपर ऊपर और ऊपर, इसको आगे नहीं लाना है, बाइसेप को यहीं रखो, ये ठीक है। ओके, ये इसको होल्ड रखो, होल्ड रखो, ऊपर लाओ, ऊपर तक कर लो, ऊपर तक करो। हाँ चलो, क्या साइज आ रहा है, चलो ऊपर लो, ऊपर लो, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलो ऊपर तक लाओ ना, ऊपर तक, चलो बहुत सही, चलो बहुत बढ़िया, चलो फ्लैक्स करो, फ्लैक्स करो, फ्लैक्स करो, हो गई। अरे नहीं, बात उसकी नहीं है, सामान नहीं है ना, बॉर्डर मैंने कर रखा है, वो आज ही आ गया होता, वो रखा है ना, बॉर्डर पे किसानों ने वो कर रखा है ना, तो ट्रांसपोर्ट वाली यहाँ कहाँ रही है गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट बंद है ना। हो गई, हाँ ये कर लो, वो करो, या वो लो। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये बारबल कर ले। हम क्या है ना कि हम थोड़ा एक्सरसाइज हम अपने डिफरेंट टाइप से कर रहे हैं। सबको पता है कि मतलब बहुत से लोग पहले क्या थे, पहले बारबल से स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने खुद देखा ये चीज, नोटिस, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा पैटर्न को चेंज कर रहा है, चेंज कर, इसमें क्या होता है कि बॉडी को शॉक भी लगता है इस चीज से ना, कि हां, क्योंकि देखो काफी टाइम से बारबल से करते हुए आ रहा है, उस पे हमारी क्या है कि मसल ऑलरेडी सेट हो चुकी है, सेट हो चुकी है बिल्कुल, तो ये तो उस पे क्या है कि ये मसल रिस्पांस करेगी या फिर नहीं करेगी, तो क्या हम थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट करता है, इसीलिए हम थोड़ा पैटर्न को चेंज कर रखा है। काफी टाइम से मैं खुद स्टार्टिंग में बारबल से ही करता था, तो अभी चेंज करा, तो इफेक्ट आता है इस चीज से, चलो शॉक से। तो चलते गाइस, पहला सेट हमारा बारबल कर्ल, ठीक है, ज्यादा वाइटनिंग, ठीक है, ठीक है, चलो 1 2 ऊपर तक लाओ, ऊपर तक, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 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 11 12 13 14, चलो लास्ट है, बहुत बढ़िया, चलो फ्लैक्स करो, फ्लैक्स करो, फ्लैक्स करो, फ्लैक्स करो, ये तो गाइस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है स्पाइडर कर्ल। स्पाइडर कर्ल बहुत टाइम बाद में कर रहा हूँ, मुझे मजा आने वाला है एक्सरसाइज पे। इसका 4 सेट लेंगे, 4 सेट, और रैप भी बता दो एक बार, रैप कितने होंगे? रैप कोई 15 रहेगा, 15 रैप है हर सेट हमारी एक्सरसाइज में, जितनी भी जा रही है हम एक्सरसाइज में 15 रैप ले रहे हैं, हमारा भी थोड़ा गेनिंग सेशन चल रहा है। चलो चलते हैं, चलो ऊपर तक लाओ, हाँ 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इधर से लो, एट नाइन टेन इलेवन, बहुत बढ़िया, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, पांच और लगाओ, वन टू थ्री फोर फाइव, बहुत रुकिए आपको, बहुत बढ़िया। सो गाइस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैमर कर्ल, हैमर कर्ल विद डंबल, वो डंबल के साथ लेते हैं। इसमें क्या है कि हम रोप के साथ भी ले सकते हैं, डंबल के साथ भी ले सकते हैं, एक बॉक्स आती है उसके साथ भी ले सकते हैं, वो रोड वाली बॉक्स आती है। तो अभी हमारा इस टाइम क्या है कि इस टाइम करेंगे डंबल से, नेक्स्ट टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट। अब तो अभी हम डबल से करने वाले हैं, टेन हाँ दस दस से लो, तीन सेट होंगे हाँ, और पंद्रह पंद्रह रैप होंगे, बिल्कुल तीन सेट होंगे। अभी अभी क्या है ना कि अभी थोड़ा हम हमारी जो मेरे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग थोड़ा ये दस का भी थोड़ा हैवी लग रहा होगा, तो अभी क्या है कि अभी हम बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे वेट के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा बॉडी या वेट के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा वेट को इंक्रीज करेंगे। ओके ओके ओके, तो अभी थोड़ा सा हम शॉक भी दे रहे हैं और नॉर्मल लेके चल रहे हैं ताकि बॉडी को थोड़ी हैबिट होती चले जाए। चलो वन, बोथ हैंड भी ले सकते हो, चलो ऊपर तक लाओ, ऊपर तक पूरा, हाँ ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत सही, चलो चलो फ्लैक्स करो, ज्यादा पीछे नहीं जाना पीछे, हाँ ये एब्स खींच के, ये तो गाइस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है हाई केबल कर्ल, हाई केबल कर्ल। चलो तो बहुत सोना नहीं लगाएगी जिनको पता भी नहीं होगा, और ये भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है बाइसेप के लिए और जो हमारी पीक है उसके लिए, उसके लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा अभी की बंदे की फिजिक और बात की, आ जाओ दानिश भाई एक बार इंस्पिरेशन दिखा दूं मैं, मुझे पता भी जितने भी लोग देखेंगे देख लो, देखो अभी कंडीशन देख लो, अभी देख लो कितने दिन बाद दिखाना है इनको, इनका हमारा मान लो 6 हफ्ते, 6 हफ्ते पूरा प्रॉपर ले रहे हैं भाई, डाइट पूरी चल रही है जानी भाई, प्रॉपर डाइट चल रही है पूरी, प्रॉपर चल रही है, काम धंधा प्रॉपर चल रहा है, सब प्रॉपर चल रहा है, जिम में प्रॉपर आ रहे हो, प्रॉपर आ रहा हूं रेगुलर, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, जो कहते हैं टाइम नहीं है वक्त नहीं दे सकते ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते यहाँ नहीं जा सकते, तो देख लो अगले बंदे ही काम करते हैं पूरे दिन शॉप पे होते हैं फिर बंद करके आते हैं 10 से 11 वर्कआउट करते हैं, गुरुजी तैयार कर रहे हैं भाई को, डेडिकेशन देख लो, फिजिक देख लो, पहले से और कम हुई है और इससे नीचे और ज्यादा थी पहले और ज्यादा था, तो अभी देख लो फिर इसके बाकी फिजिक देखना, जस्ट बिकॉज अब ऐसा नहीं है उस वो ले लिया ये ले लिया, अभी बीच में भी अपडेट देंगे हम तो 6 हफ्ते का तो टारगेट लेकर चल रहे हैं, अभी 2-3 हफ्ते के बाद भी अपडेट, लगे पड़े मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू आते हैं कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, जल्दी बॉडी देखने को बढ़िया मिलेगी भाई की, चलते अपनी वर्कआउट की तरफ, चलो क्लोज लो थोड़ा क्लोज लो जो हमारा ये है ना, चलो पीछे आओ पीछे आओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ और इसको ऊपर रखो, चलो हाथ खोलो हाथ खोलो हाथ स्ट्रेट जाने तो स्ट्रेट जाना, हाँ ये चलो चलो एकदम प्रॉपर आ रहा,
चलो थोड़ा ट्विस्ट करो, रिस्ट को ट्विस्ट करो, हाँ ये चलो ऊपर करो, तीसरे प्रेशन लगाओ तीन सेट। तो गाइस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है? जो नेक्स्ट और ये हमारी बाइसेप की लास्ट एक्सरसाइज है, तो ये डंबल कंसंट्रेशन। डंबल कंसंट्रेशन, तो इसका मेन पोस्चर देखना, क्योंकि बहुत से बंदे इग्नोर करते हैं एक्सरसाइज को। जो कहते हैं ना गाइस पीक कैसे आती है आपकी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसका काम ही है मसल को कंसंट्रेट करके एक जगह पे रखना, एक जगह पे रखना। तो ये बहुत ध्यान से देखना सुनना, ये जब बोलते ना पीछे ही पीछे, तो ऐसे ही आती है। इधर से लो, इधर से, हाँ चलो इसका इधर से ही लो, चलो ये, हाँ ये एकदम परफेक्ट है। ऊपर ट्विस्ट करो थोड़ा सा रिस्ट को, हाँ ये परफेक्ट है, देखो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है, देखो लो पूरा बॉडी लो, बहुत बढ़िया। चलो बहुत सही, देखो ये वाले एक्सरसाइज में हमने क्या दिखाया, नोटिस किया कुछ? ये वाले एक्सरसाइज में हमने दिखाया वेट, वेट कितना है 5। हमारे क्या है, हमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, दिखाने के लिए हमने 10 का ले लिया, और ना पोस्चर का पता है ना एंगल का पता है, पोस्चर आपका कहीं और जा रहा है, एंगल का आपका कहीं और जा रहा है, बिना मतलब का वेट ढो रहे हो। वेट नहीं ढोना है, हमें प्रॉपर मसल को हीट करना है। तो बारों से बंदा वेट आके ज्यादा इसका हेल्प लेते हैं, इसे ये जरूरी नहीं है कि ये आपका वेट, ये अगर आप हैवी वेट लेते हो तो उससे ज्यादा ये जल्दी बॉडी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेट को लाइट रखो, बिल्कुल बिल्कुल, और अपना पोस्चर परफेक्ट रखो। देखो ज्यादा वेट से कभी बॉडी नहीं बनती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा, वो अलग बॉडी बिल्डर्स होते हैं, अलग वेट अपना लिमिट में ही रखो, लेकिन पोस्चर परफेक्ट रखो, बिल्कुल। अभी देखो हमने लगाया 5 किलो के वेट से, फिनिशिंग भी आ रही है, रेपुटेशन भी सही निकल रहा है, और पोस्चर भी अपना फिट है एकदम परफेक्ट, और मजा भी आ रहा है, मसल हिट हो रही है, वो चीज जो हम हिट करना चाह रहे हैं, मेन काम यही है वर्कआउट करने का। और दूसरी बात की एक्सरसाइज में मजा भी आ रहा है करने में, मजा भी आ रहा है। तो प्रॉपर वेट लगा के अपने अकॉर्डिंग उसके बाद करो, मजा भी आया करने में। तो गाइज हमारी ये थी लास्ट एक्सरसाइज, और होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज जाते जाते ये कहूँगा, जर्नी अभी शुरू हुई है, मुझे पता बहुत से लोग फॉलो नहीं भी कर रहे होंगे, तो कोई इशू नहीं है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। जब आप पर होस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे तब आप फिर से देखना शुरू करोगे, ये बात ध्यान रखना मेरी। तो गाइज यहाँ तक चल रही है हमारी वर्कआउट, आज हो चुकी है हमारी बाइसेप की, फिर नेक्स्ट अपडेट जल्दी मिलेगा आपको। आपको ट्रांसफॉर्मेशन रोज दिखा रहा हूँ, मेरी भी, और मैंने दादी भाई को भी आज इस वीडियो में दिखाया है, माशाल्लाह वो भी बहुत मेहनत करने, तो उनकी वीडियो भी नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा जरूर, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे उनकी होगी। तो गुरु जी कुछ कहना है, कुछ कहना चाहोगे? देखो अभी तुम कुछ नहीं कहेंगे,
चाहिए क्योंकि लोगों को दिखाएंगे, मतलब ये है लोगों को लगेगा कि ये बस ऐसे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। नहीं, सही बात है, बिल्कुल बोलो मत, बस करके दिखाओ, करके दिखाओ। तो गाइस मेरा अपना मकसद क्या है कि अपन की वीडियो जा रही है, अपने को ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाएगी। बिल्कुल, कल को वीडियो अगर खोल के देखेंगे बारह बच्चे भी, तो हाँ भाई ऐसे थे और ऐसे ऐसे मेहनत करके हुए हैं। तो गाइस अप टू यू, अगर आप फॉलो करते हैं आपको रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है, आप आ सकते हो, पूछ सकते हो, गाइड कर सकते हो और अपना कुछ चीज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन। टाइमिंग बता दो, किस टाइम वर्कआउट करते हो स्टार्ट? और टाइमिंग, मैं बहुत दूर से आता हूँ, मैंने बताया दिल्ली, साउथ दिल्ली छतरपुर से आता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे 9:30-10 बजे के आसपास पहुँचता हूँ। सर भी मुझे टाइम दे रहे हैं और हमें मेरे ख्याल से 11:30 के आसपास हमें हो रहे हैं, 11:30 हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। फिर भी हम ट्रेन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेडिकेशन हमारे अंदर भी है, और गुरुजी भी उन्हीं बंदों को हायर करते हैं, उन्हीं बंदों को चाहते हैं जो बंदा डेडिकेटेड हो, क्यों गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को कराने में ये मज़ा भी आता है। अगर आधे घंटे आप लेट भी हो जाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत, ये देखो हर कोई कर सकता है, वो पैसे लेकर कराएगा, चला जाएगा, बताएगा, डेडिकेशन से कोई नहीं कराता है। तो वो बंदा देखता है पहले डेडिकेटेड है या नहीं है, और ये सुबह के 11:30 नहीं है, ये रात के 11:30 है। सही बात, जिम खाली पड़ी है दोनों ही हम, तो बस रात के 11:30 बज रहे हैं, फिर वर्कआउट खत्म हुई है, फिर जाएंगे डाइट बनाएंगे लेंगे। तो गाइस मैं जल्दी डाइट की वीडियो भी दूंगा, देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।